कुक विद राम जिम में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगा गाजर का जूस। गाजर का जूस मैं जूसर में नहीं बनाऊंगा, इसको मिक्सर मशीन में बनाऊंगा। तो आजकल सर्दी का मौसम है और गाजर का भी बहुत सीजन है, तो गाजर का जूस जो है वो बहुत हेल्दी बनता है। तो ये वेट लूज करने के लिए और भी इसके सेहत के लिए सर्दियों में पीने का बहुत फायदा है। तो साथ में मैंने एक चिकंदर का पीस लिया है और साथ में नींबू का रस डालूंगा और कुछ पुदीने के पत्ते भी डालूंगा। देखिए गाजर में बहुत ही अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है, तो इसकी दोनों साइडें थोड़ा थोड़ा काट दूंगा। गाजर को मैं थोड़ा ब्रिक पीस में काटूंगा ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ज़्यादा बड़े पीस नहीं काटूंगा, थोड़ा गाजर मोटा था तो इसको मैंने इसके दो पीस बना लिए। तो इसी तरह करके सब गाजरों को छोटे छोटे पीसों में काट लूँगा। सब गाजरों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से ब्रीक काट लिया है। जो एक मैंने चिकंदर लिया था उसको भी बिल्कुल ब्रीक काट लिया है। तो अब इनको एक मिक्सचर जार में डाल दूंगा। इसको ग्राइंड करने के लिए एक गिलास मैंने पानी का भी डाल दिया है, नहीं तो अलग से ये ग्राइंड नहीं होएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये बिल्कुल बारीक बन गया है, पूरा बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से गाजर और जो चिकंदर था बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। चलिए मैंने एक स्टील का बर्तन लेके उसके ऊपर ये एक छलनी रख लिया है, तो इसी में डाल के इसको जो इसका जूस है वो अलग करूंगा। तो जो इसका जो गाजर का जो बाकी बचा हुआ है पीस वो अलग हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके इसमें इससे मैं निकाल लूंगा। जो देखिए अभी बिल्कुल जो है गाजर का जो बचे हुए पीस है वो बच गया है इसका, तो ये भी फेंकने का जरूरत नहीं है। तो इसको आप चाहे तो पराठे बना सकते हैं या इसको सब्जी में यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत जो बचा हुआ है बहुत हेल्दी है, तो इसको मैं पराठों में यूज करूँगा। जो मैंने नींबू लिया था तो नींबू का एक नींबू का मैंने रस निकाल लिया है, तो इससे भी इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा हो जाता है। जी काला नमक है, काला नमक थोड़ा सा इसमें मिला दूंगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो मिला सकते हैं। तो मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, तो आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, मगर जो बगैर चीनी के जो बनता है जूस बहुत ही हेल्दी है। जो मैंने 5-6 पुदीने के पत्ते लिए हैं तो इनको मैश करके बिल्कुल ब्रीक कर लूंगा और ये भी इसमें डालूंगा। बिल्कुल रेडी है जूस। तो एक मैंने अभी जग में इसको डाल लिया है, तो इनको अभी सर्विंग ग्लास में डाल लूंगा। चुकंदर डालने से जो इसका कलर है वो थोड़ा और भी डार्क हो गया है।
देखिए बिल्कुल तैयार है जूस, गाजर का और चुकंदर का, और मैं इसमें कुछ पुदीने के पत्ते मिलाए हैं। तो अगर मेरा ये रेसिपी तो पसंद आता है, लाइक करना, शेयर करना, तो मेरे चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करना, तो बेल का बटन जरूर दबा देना, ताकि मैं अगे तो होर जो भी वीडियो बनावा उन्हों का नोटिफिकेशन भी तुहानू मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।